वैसे तो चांदी भी है लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा। लोगों से कहा कि आप लोग हमें चांदी कहिए। हम शहादतगंज दूरबे खाते से आए हुए हैं। हमें यहाँ आने में बहुत परेशानियाँ हुई। हमारे घर में कोई राज़ी नहीं था हमें यहाँ भेजने के लिए, लेकिन जो है हमने मम्मी पापा को बहुत मनाया तब उन्होंने हमें भेजा यहाँ। तो आप क्यों जुड़ी हैं इस प्रोग्राम से? इस प्रोग्राम में हम कंप्यूटर सीखने के लिए जुड़े हैं। जब से हमें यहाँ हम यहाँ आए हमें कंप्यूटर के बारे में तो जानकारियाँ हुई हैं और हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता चला, जैसे कि नज़रिए में हमें ये था पहले हम किसी को देख के गलत अल्फाज बोलते थे कि मतलब ये ऐसा है कि वो ऐसा है। अब हमें यहाँ आके ये पता चला कि मतलब किसी को देख के किसी के बारे में नहीं कहना चाहिए जब तक हम उससे बात ना कर ले या उसे ठीक से जान पहचान ना ले। तो आपको क्या लगता है क्या ये सब सीखना आपके लिए ज़रूरी है? जी हाँ, दुनिया में रहना है तो हमें ये सब सीखना ज़रूर पड़ेगा क्योंकि हमें नए नए लोगों से मिलना है, नए लोगों को जानना है, तो उनसे मिलने और उनसे जानने के लिए हमें ये सब सीखना बहुत ज़रूरी है। हाँ, हमारी ज़िंदगी में फ़र्क पड़ेगा। पहले ज़माने के लोगों का कहना था कि लड़कियों को घर में रहना चाहिए, सिर्फ घर के काम काज करना चाहिए, लेकिन आज के वक्त देखते हुए लड़कियों को घर का काम तो करना ही चाहिए और बाहर की जानकारी भी लेना चाहिए क्योंकि कभी खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए तो लड़कियां घर से बाहर निकल सके। पहले लड़कियां घर से बाहर निकलने में इतना डरती थी कि जो अगर कोई हमसे कह भी दे कि बाहर से कोई जाकर कोई चीज़ लिया तो वो ला नहीं पाती, लेकिन अब हमें घर से निकलना चाहिए, मतलब अपनी हिम्मत बढ़ानी चाहिए कि हम घर से बाहर निकलें और कुछ सीखें, कुछ नया सीखें। और कुछ खास कहना चाहेंगे? और खास क्या, ये खास यही कहना चाहेंगे कि ये जो है हमारी जैसी जितनी भी लड़कियाँ हैं वो प्लीज़ अपने घर वालों को मनाएं कि हमें कंप्यूटर सीखने जाने दें, बल्कि कंप्यूटर ही क्या जितने भी दुनिया में मतलब अच्छी चीज़ें हैं वो हमें सीखें। जो चीज़ें सीख रहे हैं और जो हमें सीखने को मिला शायद घर पर ना सीखने को मिलता और ना डर था कि जो है डर निकल चुका है, थोड़ा बहुत है भी लेकिन इंशाल्लाह आगे भी ख़त्म हो जाएगा धीरे धीरे करके डर। हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई से मतलब पढ़ने में रह गई हैं, हम तो पढ़ने में मतलब आगे थे लेकिन हम अपने घर वालों की वजह से आगे नहीं पढ़ पाए, हमने सिर्फ 8th किया है। हम ये चाहते हैं कि हमारी जैसी जितनी भी लड़कियां हैं वो आगे पढ़े, उन्हें आगे पढ़ने का मौका दिया जाए। आपके अंदर कितनी हिम्मत आई है? मेरे अंदर पहले तो बहुत कम हिम्मत थी, पहले हम जाते थे मतलब इतना नहीं जाते थे जैसे यहाँ से कि अपने घर से एक दो घर और छोड़ के चले जाते थे, लेकिन अब इतनी जब से हम यहाँ लीडरशिप बिल्डिंग प्रोग्राम से जुड़े हैं तब से हमें बहुत हिम्मत आई है कि हम वहाँ अपने घर से यहाँ सनत कदा आ सकते हैं।